आज हम जो बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह के तेल की और बहुत ज़्यादा मसालों के, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट के साथ आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी हेल्दी अचार, जिसे हम बोलते हैं हींग का अचार। बाज़ार से कुछ भी लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर के ही 3 इंग्रेडिएंट से आप बहुत ही जल्दी सिर्फ 5-7 मिनट में ही हींग का अचार बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना करें। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसको बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अब आम यानी कच्चे कैरी का सीज़न है, तो आप फटाफट से ले लीजिए कुछ आम और उसको छील के काट लीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आम को छील के काट लिया है, और आपको यहाँ बता दूँ कि अगर कोई भी आम पका हुआ हो तो उसको आप फ़ौरन अलग कर ले, वो हमें अचार में नहीं चाहिए, उसकी वजह से अचार ख़राब भी हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके जो स्लाइसेस हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो मुझे तो इसके छोटे छोटे स्लाइसेस अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैं सारे जो स्लाइस हैं वो एक पतले से पैटर्न में काटूंगी, क्योंकि उससे क्या होता है कि अचार जल्दी तैयार हो जाता है, बड़े बड़े पीसेस वाला अचार थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इस तरह से सबसे पहले आमों को छीलना ज़रूरी है, इस अचार में छिले हुए आम ही आपको चाहिए। और ये देखिए, जैसे इतनी बड़ी बड़ी स्लाइसेस हैं तो इतना बड़ा नहीं चाहिए, मैं इस तरह के पतले पतले स्लाइस कर लूँगी और बड़े ही आराम से ये सिर्फ 5-6 मिनट में आपका अचार तैयार हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं कर लेती हूँ फटाफट से इसकी स्लाइसेस, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी स्लाइस हैं और मैं छोटी छोटी स्लाइस करूँगी तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो मैं फटाफट से इसकी स्लाइस बारीक कर लेती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो सारी जो स्लाइस हैं वो एक पतले पतले पैटर्न में काट ली हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आपको मोटा मोटा ही खाना पसंद है, यानी बड़े बड़े स्लाइस चाहिए, तो आप बड़ी बड़ी भी रख सकते हैं। और ये जो थोड़ा पका हुआ आम का हिस्सा है वो मैं सारा अलग कर लूँगी, उसे मैं चटनी या किसी सब्जी वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैं इस आम को जो मैंने ये तैयार किया है उसको मैं 1 घंटा धूप में सुखा लूँगी। और जो मुझे इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं बता देती हूँ आपको। उसके लिए मुझे चाहिए नमक, जो हम रेगुलर नमक यूज़ करते हैं, रेड चिली पाउडर जो हमारे घरों में होता है, और हींग। इन सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ही ये अचार बन जाता है और 1-1.5 महीने में ये तैयार भी हो जाता है, आप इसे खाना स्टार्ट भी कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों के अलावा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी वीडियो के एंड में, जो आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, चाहे तो डालें चाहे ना भी डालें। सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ हींग। हींग कोशिश कीजिएगा कि आप पाउडर बेस ही लें, ताकि अच्छे से कोट हो जाए, और हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। तो यहाँ मैं 3 से 4 टेबलस्पून हींग यूज़ कर रही हूँ। आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो कैरी की मात्रा है उसी के अकॉर्डिंग आपको हींग डालना है। उसके बाद मैं 3 बड़े चम्मच डालूंगी यहाँ पर लाल मिर्च। कोशिश कीजिएगा कि लाल मिर्च आपकी अच्छी और ताज़ी पिसी हो, किसी तरह का कोई जाला ना हो, तभी आपका अचार अच्छा बनेगा। उसके बाद मैं डालूंगी ऑर्डिनरी नमक, ये सादा नमक ही, वाइट वाला जो हम यूज़ करते हैं वही हमें डालना है। और सिर्फ इन 3 चीज़ों से ही हम ये अचार प्रिपेयर करेंगे। आप जब अचार को बना लेंगे तो उसके बाद एक बार टेस्ट ज़रूर लेकर देखें कि आपका नमक की मात्रा ठीक है या नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम अचार डालते हैं तो नमक हमें तेज़ लगता है और धीरे धीरे जो कैरियाँ हैं वो ऑब्जर्व अंदर अपने अंदर नमक ले लेती हैं, तो स्टार्टिंग में तो आपको ज़्यादा ही लगेगा। अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं, ताकि हर एक कैरी पर अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाए। और ये आप अचार इसी तरह से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद जब हम इसको भरेंगे तो हम कांच की बर्नी में ही भरेंगे। सबसे अच्छा अचार कांच की बर्नी या फिर चीनी मिट्टी की बर्नी में रहता है, तो आप कोशिश कीजिएगा इसी तरह से इसको रखें। उसके बाद हम 1 हफ्ते तक अचार को दोपहर की धूप में रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, शाम को या रात को अचार बाहर नहीं रखना है, सिर्फ दोपहर की इसको धूप लगानी है 1 हफ्ते तक, ताकि अगर इसमें किसी भी तरह का कोई मॉइस्चर हो तो वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड किया था तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा पानी आएगा, बट डोंट वरी, वो पानी इसी में आपको हल्का सा गीला हो जाएगा, ये उसको उसी में ही छोड़ दीजिए। और इसी तरह से आपका ये अचार तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और बिना मेहनत के बहुत ही जल्दी से ये अचार तैयार हो जाता है। तो आई होप कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, इसको ट्राई कीजिएगा। स्टमक प्रॉब्लम के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि हींग इसमें मेन इंग्रेडिएंट है। खाने के साथ अगर इस अचार को खाएंगे तो आपका डाइजेशन भी बहुत
बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक इंग्रेडिएंट जो मुझे मेरी मौसी जी ने बताया था आप डाल सकते हैं, वो है भुने हुए जीरे का पाउडर। अगर आप चाहें तो उसको डाल सकते हैं, क्वाइट ऑप्शनल है, टेस्ट थोड़ा सा इन्हेंस करता है, अगर नहीं डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।